ये हैं ऑक्सपेकर, जिन्हें गैंडों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, जो किसी दुश्मन के आने पर जोर जोर से शोर मचाकर उसे आगाह कर देते हैं। ऑक्सपेकर उपसारा समूह का मूल निवासी है, जो अपना अधिकांश समय मेजबानों की पीठ पर बिताते हैं। ऑक्सपेकर किलनी, लार्वा और दूसरे परजीवियों को खाते हैं, जो काले गैंडों, अफ्रीकी भैंस, दरियाई घोड़े और अन्य बड़े स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं। ऑक्सपेकर जिस जीव पर बैठते हैं, ये उसके रक्त, कान के मैल, बलगम और अन्य स्रावों पर निर्भर करते हैं। ये पक्षी अपने बड़े मेजबानों के साथ घूमकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसके लिए ये 5 से 6 के समूहों में काम करते हैं। इन्हें कभी कभी टिक बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सपेकर प्रतिदिन सैकड़ों टिक और 12,000 लार्वा खा सकती हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कीटनाशक ऑक्सपेकर के लिए बेहद घातक साबित हुए हैं। इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, रेड बिल ऑक्सपेकर और येलो बिल ऑक्सपेकर। ये दोनों प्रजातियां उप सहारा अफ्रीका के सवान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पीली चोंच वाले ऑक्सपेकर केन्या और दक्षिण अफ्रीका, इसके साथ ही लाल चोंच वाले ऑक्सपेकर अफ्रीका के पूर्वी हिस्से इथोपिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक पाए जाते हैं। इसके भूरे रंग के पंख, छोटे पैर और 3 नुकीले पंजे जीवों के शरीर पर संतुलन बनाने का काम करते हैं। 7 से 9 इंच लंबे और 2 ग्राम वजनी ऑक्सपेकर 15 साल तक का जीवन जीते हैं। ऑक्सपेकर न केवल परजीवियों को खाते हैं, बल्कि उनका खून भी पीते हैं। मादा ऑक्सपेकर 3 से 5 की संख्या में अंडे देती है। 12 से 13 दिनों के ऊष्मायन के बाद 25 से 30 दिनों के पश्चात अंडों से चूजे निकलते हैं। शेर, चीता, लकड़बग्घा और मगरमच्छ ऑक्सपेकर के अच्छे मित्र हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।